बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ आवर फिफ्थ लेक्चर ऑफ जनरल साइंस फॉर क्लास 8। इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस वैलेंसी, मेथड्स टू कैलकुलेट द वैलेंसी यूजिंग द ऑक्टेट रूल एज वेल एज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रेडिकल्स। इफ़ योर concept about the valency is clear, you can easily understand the topic. One more thing which is very important, students, as I said earlier in my lecture as well, these topics are not in the book, so be careful and be attentive while you are listening to the lectures. They are very helpful in the understanding of chapter chemical reactions. What are radicals? Radicals are group of elements of same or different atoms combine chemically and act as a single unit with positive or negative charges. It sounds something similar like as we have heard this before. Do you know what is the definition for compound? Compounds are group of elements of same atoms or different atoms chemically combine and act as a single unit with no positive or negative charges. Then what is the difference between the two? Do you know what is the difference, or can you see the difference? Yes, the difference is radicals with positive or negative charges, whereas compound with no positive or negative charges. Radicals का मतलब ये है, just like the compound, they are group of elements. एट लीस्ट आपको मालूम है कि जब दो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं केमिकल यूनियन में, दे आर फॉर्मिंग कंपाउंड। रेडिकल्स भी इसी तरह ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैं, उनमें सेम एटम्स भी हो सकते हैं एलिमेंट्स के, और डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम भी हो सकते हैं। इनकी यूनियन भी केमिकल है, जस्ट लाइक द कंपाउंड। यानी आप इनको किसी फिजिकल मेथड से ग्रुप नहीं करते, दे आर केमिकली यूनाइटेड। दे बोथ एक्ट एज द सिंगल यूनिट। मगर जो मेजर डिफरेंस है रेडिकल्स और कंपाउंड के दरमियान, वो ये है कि रेडिकल्स चार्ज्ड होते हैं, उनके ऊपर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है, जबकि कंपाउंड, दे आर आल्सो ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम और डिफरेंट एटम्स, दे कंबाइन केमिकली एक्टिंग एज द सिंगल, दे आल्सो एक्ट एज द सिंगल यूनिट। बट द डिफरेंस इज कंपाउंड्स आर ऑलवेज न्यूट्रल। कंपाउंड्स पर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं होता। आपको ये बात कुछ एग्जाम्पल्स के ज़रिए बहुत अच्छी तरह से समझ में आई है। आइए हम देखते हैं एग्जाम्पल्स और दोनों के दरमियान का डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। हेयर वी हैव एग्जाम्पल ऑफ अ कंपाउंड, सोडियम क्लोराइड। आपको पता है ना वैलेंसी सोडियम की क्या है? प्लस वन, क्योंकि इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं 11। इसके फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि फर्स्ट शेल की अकोमोडेशन आपको याद होगा 1, 2 होती है। सेकंड इलेक्ट्रॉनिक शेल में, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसके वैलेंस शेल में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है टू रीच द ऑक्टेट, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर चार्ज आ जाता है प्लस वन, क्योंकि वो कंपाउंड बना रहा है क्लोरीन के साथ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन के पास 17 हैं। फर्स्ट एनर्जी लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड में 8 हैं, और थर्ड में 7 हैं। 7 का मतलब यह है कि क्लोरीन इस केस के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और कितने इलेक्ट्रॉन्स उसकी रिक्वायरमेंट है? 1 इलेक्ट्रॉन। इस तरह सोडियम के ऊपर चार्ज आता है प्लस 1, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे रहा है। क्लोरीन के ऊपर चार्ज आ रहा है माइनस 1, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है सोडियम से। और मैथमेटिक्स के हिसाब से हमें ये मालूम है कि इक्वल चार्जेस आर ऑलवेज कैंसल्ड विद ईच अदर। सोडियम के ऊपर चार्ज आ गया प्लस 1, क्लोरीन पर चार्ज आ गया माइनस 1। व्हेन दे बोथ कैंसल्ड विद ईच अदर वी गेट अ न्यूट्रल कंपाउंड हैविंग नो चार्ज, सोडियम क्लोराइड। बिकॉज सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन अपना देकर क्लोरीन को ऑक्टेट करवा दिया, ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन पहुंचा दी, और दोनों के ऊपर से चार्जेस रिमूव हो गए, एक न्यूट्रल कंपाउंड बन गया जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड।
वन मोर एग्जाम्पल, पिछली एग्जाम्पल के अंदर हमने सोडियम क्लोराइड फॉर्मेशन से एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन लूज करना और दूसरे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन गेन कर एक न्यूट्रल कंपाउंड बनना देखा. नाउ वी सी द एग्जाम्पल ऑफ वाटर. वाटर की एग्जाम्पल हम देखेंगे क्योंकि सोडियम क्लोराइड में आयोनिक बॉन्ड था और वाटर फॉर्मेशन में कोवेलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व होता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है. कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब है विदाउट लूज और गेन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकर बिटवीन द एलिमेंट्स. यहाँ पर हम वाटर फॉर्मेशन देख रहे हैं. वैलेंसी हाइड्रोजन की प्लस माइनस वन होती है, लेकिन हमेशा हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन देता है. वैलेंसी ऑक्सीजन की माइनस टू होती है. अब इसके स्ट्रक्चर में देखते हैं, हाइड्रोजन हैज़ वन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, लेकिन वाटर फॉर्मेशन में दो हाइड्रोजन एटम हिस्सा लेते हैं. सो देर आर टू हाइड्रोजन्स हैविंग वन इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल. ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स एट होते हैं. फर्स्ट एनर्जी लेवल कंप्लीट है, सेकंड एनर्जी लेवल में सिक्स इलेक्ट्रॉन्स हैं और दो इलेक्ट्रॉन्स उसके पास उसे चाहिए ताकि वो ऑक्टेट कॉन्फिगुरेशन रीच कर सके. अब हम देख रहे हैं कि देयर आर टू हाइड्रोजन एटम्स, बोथ कैरी प्लस वन चार्ज और ऑक्सीजन एटम के ऊपर चार्ज है माइनस टू. जब ये दोनों हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के साथ शेयर करेंगे तो आप ये देखें, दोनों हाइड्रोजन इंक्लूडिंग द ऑक्सीजन एलिमेंट दे ऑल शेयर इलेक्ट्रॉन्स. बाय दिस शेयरिंग एवरी हाइड्रोजन गेट्स टू इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, वेयर एज बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स विद द टू हाइड्रोजन एटम्स ऑक्सीजन हैव एट इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल. इस शेयरिंग से हाइड्रोजन ने ड्यूप्लेट स्ट्रक्चर रीच किया जो कि एक स्टेबल कॉन्फिगुरेशन देता है, और इसी तरह ऑक्सीजन ने ऑक्टेट कॉन्फिगुरेशन रीच की. अब हम देखेंगे कि हाइड्रोजन क्योंकि दो एटम्स हैं, एक हाइड्रोजन पर चार्ज है प्लस वन, तो दो हाइड्रोजन एटम्स पर चार्ज आ गया प्लस टू. ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी दो इलेक्ट्रॉन्स, उस पर चार्ज आ गया माइनस टू. ये दोनों एलिमेंट्स इन एटम की शेयरिंग से अपने स्टेबल कॉन्फिगुरेशन रीच कर रहे हैं और प्लस टू माइनस टू आर कैंसल्ड विद ईच अदर. यू विल सी अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड विच इज कॉल्ड वाटर हैविंग द फॉर्मूला H2O. क्योंकि हाइड्रोजन के दो एटम्स शामिल हैं और ऑक्सीजन का एक एटम, प्लस टू माइनस टू जब कैंसिल हो गए चार्जेस तो एक न्यूट्रल कंपाउंड फॉर्म हुआ वाटर. एक चीज़ यहाँ पर और बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, कि जब भी कोई कंपाउंड बनता है, आपने प्रीवियस एग्जांपल में भी देखा होगा, एटलीस्ट हम देखते हैं कि टू एलिमेंट्स होते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, हमेशा कंपाउंड के फर्स्ट एलिमेंट की कंपाउंड फॉर्मेशन में हिस्सा लेने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनमें पहले पार्टनर की वैलेंसी हमेशा प्लस होती है और सेकंड एलिमेंट की वैलेंसी हमेशा माइनस होती है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको जहन में रखना है. व्हेन एवर अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड, फर्स्ट एलिमेंट ऑलवेज हैविंग अ पॉजिटिव वैलेंसी एंड सेकंड एलिमेंट ऑलवेज हैविंग अ नेगेटिव वैलेंसी. रेडिकल्स आर ग्रुप ऑफ एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स. एग्जाम्पल्स डेफिनेशन में हमने देखा कि रेडिकल्स ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, वो सेम एलिमेंट का ग्रुप भी हो सकता है और दो डिफरेंट एलिमेंट्स के मिलने से भी ग्रुप फॉर्म हो सकता है. विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल वी कैन सी अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स स्टार्टिंग इट्स हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. इन तमाम एलिमेंट्स के अंदर जो चीज़ मुश्तरक है, सेम है, वो है इनकी मॉलिक्यूलर स्टेट. नेचर के अंदर ये एलिमेंट्स डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. इनका अगर मॉलिक्यूल आप देखें तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का सिंबल है H2, नाइट्रोजन N2, ऑक्सीजन O2, फ्लोरीन F2, क्लोरीन Cl2, ब्रोमीन Br2, आयोडीन I2. ये मॉलिक्यूलर स्टेट जो है ये एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं डाई एटॉमिक फॉर्म में. लेकिन जब ये मॉलिक्यूल ब्रेक होगा तो फिर ये अपनी आयोनिक स्टेट में आ जाएंगे, जिनमें हम देखेंगे कि ये अगर किसी एलिमेंट के साथ अपना कंपाउंड फॉर्म करते हैं, बिकॉज दीज आर ऑल नॉन मेटल्स. तो अकॉर्डिंग टू द कंपाउंड डेफिनेशन, हमेशा कंपाउंड का फर्स्ट एलिमेंट पॉजिटिव वैलेंसी रखता है और सेकंड पार्ट नेगेटिव वैलेंसी रखता है.
तो ये तमाम के तमाम एज अ रेडिकल जो कंपाउंड फॉर्म करेंगे बिकॉज ऑफ देयर ओन नेगेटिव वैलेंसी, देयर नेम्स आर ऑलवेज रिटन इन द एंड, और इनके नाम की खसूसियत ये होगी कि इनके रेडिकल के आखिर में IDE का इजाफा किया जाएगा। जैसे कि हाइड्रोजन का रेडिकल बनेगा हाइड्राइड, नाइट्रोजन नाइट्राइड, ऑक्सीजन ऑक्साइड, फ्लोरीन फ्लोराइड, क्लोरीन क्लोराइड, ब्रोमीन ब्रोमाइड एंड आयोडीन आयोडाइड। हाइड्रोजन की वैलेंसी प्लस माइनस वन दोनों होती हैं। अगर ये किसी मेटल के साथ एक कंपाउंड फॉर्म करेगा तो इसके रेडिकल जो है वो चार्ट शो करेगा माइनस वन। तो जब भी कोई कंपाउंड बनेगा और जिसमें हाइड्रोजन एज अ रेडिकल हिस्सा लेगा, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के वो तमाम कंपाउंड जिनमें वो एज अ रेडिकल हिस्सा ले रहा है मेटल्स के साथ, इट इज़ साउंड एज मैग्नीशियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, ऐसी सूरत में हाइड्रोजन अपना कौन सा चार्ज शो करेगा? माइनस का चार्ज, क्योंकि उसकी वैलेंसी प्लस वन माइनस वन है, तो माइनस वन चार्ज होगा हाइड्रोजन पर। नाइट्रोजन की वैलेंसी माइनस थ्री है, नाइट्राइड के फॉर्म में जब वो किसी कंपाउंड फॉर्मेशन में हिस्सा लेगा तो उसकी आयोनिक स्टेट क्या है उसके ऊपर चार्ज आएगा माइनस थ्री। ऑक्सीजन पर चार्ज होगा माइनस टू, फ्लोरीन पर माइनस वन, क्लोरीन माइनस वन, ब्रोमीन माइनस वन एंड आयोडीन ऑल्सो माइनस वन। ग्रुप ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स एग्जाम्पल। नाउ इन दिस चार्ट, इन दिस टेबल वी विल सी द फर्स्ट रेडिकल नेम इज हाइड्रो ऑक्साइड, सेकेंड रेडिकल नेम इज नाइट्रेट, थर्ड रेडिकल नेम इज कार्बोनेट, फोर्थ रेडिकल नेम इज सल्फेट, फिफ्थ नेम इज फॉस्फेट एंड द सिक्स्थ नेम इज अमोनियम। देर आर मैनी अदर रेडिकल्स बट वी हैव टेकन द एग्जाम्पल ऑफ द सिक्स कॉमन विच कॉमनली टेक्स पार्ट इन रिएक्शन इन द चैप्टर केमिकल रिएक्शंस। हम बेसिक्स जो हैं रेडिकल की जो है वो समझ लेते हैं और इस सिलसिले में हम सिक्स एग्जाम्पल्स को देख रहे हैं। इसके अलावा भी रेडिकल्स की बेशुमार एग्जाम्पल हैं। प्रीवियस टेबल में हमने सेम एटम्स यानी एलिमेंट के सेम एटम्स से बने रेडिकल्स जो फॉर्म हो रहे हैं उन्हें देखा था। अब हम देखेंगे कि एटलीस्ट टू एलिमेंट्स के केमिकल यूनियन से बनने वाले रेडिकल्स की एग्जाम्पल। रेडिकल्स मीन्स चार्ज, ग्रुप ऑफ चार्ज एलिमेंट्स, ठीक है। हाइड्रोक्साइड रेडिकल का सिंबल है OH-। OH- का मतलब ये है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ टू एलिमेंट्स ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एंड द इंटायर रेडिकल गेट्स द चार्ज माइनस। सो इस रेडिकल की वैलेंसी क्या है? माइनस वन। ये माइनस वन चार्ज इस रेडिकल के ऊपर किस तरह से आया, वन बाय वन हम इन तमाम रेडिकल्स को देखेंगे। पहले हम एक मरतबा इनके सिंबल और इनकी वैलेंसी देख लें। नाइट्रेट रेडिकल इज कंपोज्ड ऑफ टू एलिमेंट्स नाइट्रोजन एंड थ्री एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। NO3 पूरे कंबाइंड रेडिकल के ऊपर चार्ज आ रहा है माइनस, इसकी वैलेंसी हो गई माइनस वन, क्योंकि वन अंडरस्टूड होता है, लिखा नहीं जाता। कार्बोनेट रेडिकल इसका सिंबल है CO3, वन एटम ऑफ कार्बन थ्री एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड एंटायर रेडिकल कैरी द चार्ज माइनस टू। दैट्स वाई आप इसके ऊपर देख सकते हैं कि दो मरतबा माइनस का निशान है, इसका मतलब है माइनस टू, इसकी वैलेंसी हो गई माइनस टू। सल्फेट रेडिकल का फॉर्मूला है SO4, एक एटम सल्फर का फोर एटम्स ऑक्सीजन के, व्हेन दे कंबाइन द दिस ग्रुप कैरीज द चार्ज टू टाइम्स माइनस चार्ज ऊपर लगा हुआ है, इसकी वैलेंसी है माइनस टू। फॉस्फेट रेडिकल इट इज़ कंपोज्ड ऑफ वन एटम ऑफ फॉस्फोरस फोर एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, इस पूरे इंटायर रेडिकल के ऊपर चार्ज है, थ्री टाइम माइनस आपको नजर आ रहा होगा, थ्री माइनस इसकी वैलेंसी है। इसी तरह हमने जो लास्ट रेडिकल अमोनियम लिया है ये इन पांच रेडिकल्स से थोड़ा डिफरेंट है, कैसे वो भी देखते हैं। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ वन एटम ऑफ नाइट्रोजन विद फोर एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइनिंग टुगेदर एंड द इंटायर रेडिकल कैरीज द चार्ज प्लस, इसकी वैलेंसी प्लस वन है। अब यहाँ से हमें ये चीज़ जहन में रखनी है कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड एंड रेडिकल। कंपाउंड एटलीस्ट टू एलिमेंट्स मिलेंगे मगर उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता और वो न्यूट्रल होते हैं, जबकि रेडिकल के ऊपर चार्ज होता है। ये ऐसा ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स या ऐसा ग्रुप ऑफ एटम होता है जिसके ऊपर चार्ज मौजूद हो। दोबारा से देखते हैं हाइड्रोक्साइड रेडिकल के ऊपर क्या चार्ज मौजूद है, माइनस वन, वन नहीं लिखा जाता इसलिए ओनली रिप्रेजेंटेड बाय द माइनस साइन। नाइट्रेट कैरीज द चार्ज माइनस वन,
carbonate radical minus 2, sulfate radical minus 2, phosphate radical minus 3 and ammonium radical plus 1. ये charges या ये valencies इसके ऊपर, इसकी valency क्या है, ये charges इन पर कैसे आए, अब हम detail से one by one एक एक radical को देखेंगे. How to calculate valency of radical? अगर आपको याद हो तो वैलेंसी कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने ऑक्टेट रूल फॉलो किया था और एलिमेंट्स की वैलेंसी फाइंड आउट की थी. अभी हमने देखा और हम बड़े परेशान से हो रहे हैं कि OH के ऊपर चार्ज माइनस आ रहा है, कार्बोनेट पर CO3 माइनस 2 आ रहा है, PO4 पर माइनस 3 आ रहा है, तो ये चार्जेस उनके ऊपर कैसे आए, या ये एलिमेंट्स की यूनियन ज़रूर नज़र आ रही है मगर इन पर चार्ज कहाँ से आया. तो हाउ टू कैलकुलेट वैलेंसी ऑफ रेडिकल. To calculate the valency of radical, following steps must be followed. हम कुछ steps ऐसे लेंगे कि जिनकी मदद से हम इन group of elements की charges को मालूम करेंगे. Number one thing, among the group of atom, check which element has less number of electron in the outermost or valence shell. इनकी valency find out करने के लिए सबसे important चीज़ हम क्या देखेंगे कि वो जो ग्रुप ऑफ एटम्स है, वो जो दो एलिमेंट्स मिल रहे हैं किसी भी रेडिकल को फॉर्म करने में, उन दोनों के दरमियान, उन दोनों एलिमेंट्स के दरमियान किस एलिमेंट के वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम से कम है, यानी उन दो के ग्रुप में किसके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कम हैं. सेकेंड स्टेप फॉर कैलकुलेशन, वी विल सी द एलिमेंट विद द लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल loses electron easily and gets positive charge on it. वो जो दो elements का group radical form करेगा, हमने पहली चीज़ तो ये देखी उन दोनों में से किसके outermost shell में electron कम है. अब हमने ये देखा कि जिसके outermost shell में electrons का number कम होगा वो क्या करेगा, अपने electron अपने partner को donate कर देगा, यानी वो अपने electron outermost shell valence shell से लूज़ कर देगा. और जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी को देता है या लूज़ करता है तो उस पर क्या चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव. ये अभी पूरे रेडिकल की बात नहीं हो रही, हम उस ग्रुप की बात कर रहे हैं, द टू एलिमेंट्स विच आर यूनाइटिंग एंड फॉर्मिंग अ रेडिकल, यानी कि वो जो दो का ग्रुप है उनमें सबसे पहली चीज़ हमने देखी किसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम है, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम है. जिसके इलेक्ट्रॉन कम होंगे वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स अपने पार्टनर एलिमेंट को देगा, डोनेट करेगा या अपने आउटर मोस्ट रिंग से लूज करेगा, तो वो खुद कौन सा चार्ज ले लेगा, प्लस का चार्ज. जब इस तरह हम रेडिकल की कैलकुलेट करना चाह रहे होते हैं वैलेंसी, तो सेकंड एलिमेंट का क्या रोल होता है. फॉर द सेकंड एलिमेंट वी विल सी द नेक्स्ट एलिमेंट गेन्स इलेक्ट्रॉन एंड गेट्स नेगेटिव चार्ज ऑन इट. वो जो दूसरा एलिमेंट उस रेडिकल को फॉर्म कर रहा होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा है, तो वो उस वक्त किस कंडीशन में होगा, वो ज़्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और इस वजह से उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव. जो इलेक्ट्रॉन्स लेता है, लेने वाले के ऊपर हमेशा क्या चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है. तो ये तीन रूल या ये तीन स्टेप्स हम फॉलो करेंगे जब रेडिकल्स की वैलेंसी को कैलकुलेट करना शुरू करेंगे. आई एम रिपीटिंग अगेन, नंबर वन थिंग, उस ग्रुप के अंदर किस एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में कम से कम इलेक्ट्रॉन है. नंबर टू, जिसके इलेक्ट्रॉन कम से कम होंगे वो अपने इलेक्ट्रॉन अपने पार्टनर को देगा, यानी कि लूज करेगा, और ख़ुद कौन सा चार्ज अडॉप्ट करेगा, पॉजिटिव. वो जो दूसरा एलिमेंट होगा जिसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और इस तरह वो कौन सा चार्ज अडॉप्ट करेगा, नेगेटिव. अब इन पॉइंट्स को लेते हुए हम वन बाय वन तमाम रेडिकल्स के चार्जेस या वैलेंसीज मालूम करते हैं. वी स्टार्ट द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट रेडिकल, हाइड्रोक्साइड रेडिकल. हाइड्रोक्साइड रेडिकल का सिंबल है OH और पूरे इंटायर रेडिकल के ऊपर चार्ज लगा हुआ है माइनस, नंबर कुछ भी नहीं है, वन अंडरस्टूड होता है तो माइनस वन. पूरे इंटायर रेडिकल के ऊपर चार्ज माइनस वन, ये चार्ज कैसे आया, लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ OH. ऑक्सीजन, यू कैन सी द आउटर मोस्ट वैलेंस शेल ऑफ ऑक्सीजन हैज़ 6 इलेक्ट्रॉन. अपना शेल कंप्लीट करके ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन रीच करने को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है 2 इलेक्ट्रॉन्स की, जबकि OH रेडिकल का ग्रुप कंप्राइज्ड है O और H के कॉम्बिनेशन पर. हाइड्रोजन जो है उसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है. अकॉर्डिंग टू द रूल,
जिस एलिमेंट के वैलेंस शेल में लेस इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपने पार्टनर को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इन दोनों एलिमेंट्स के दरमियान आप देख सकते हैं हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है जो उसके वैलेंस शेल में, तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देगा। जब वो ऑक्सीजन को अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसका मतलब हाइड्रोजन गेट्स द चार्ज पॉजिटिव। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से लेने के बावजूद ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है कितने इलेक्ट्रॉन्स की, एक इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी है -2। उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, जबकि इस रेडिकल में हाइड्रोजन ने उसे एक इलेक्ट्रॉन दिया है। स्टिल देयर इज अ प्लेस वैकेंट फॉर 1 इलेक्ट्रॉन, सो वी विल राइट हाइड्रोजन एज +1 बिकॉज इट इज गोइंग टू डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन टू द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन हैज द वैलेंसी -2। By getting +1 from the hydrogen, still there is a requirement of 1 electron. तो इस तरह पूरे hydroxide radical के ऊपर charge लगेगा -1. You can check valency by this as well. O के ऊपर valency है -2, H का charge है +1. माइनस प्लस माइनस और 2 में से 1 माइनस कर दिया, हमारे पास क्या आ गया 1. तो पूरे entire hydroxide radical का charge हो गया -1. The next radical we have nitrate radical and the formula for the nitrate radical is NO3-1 या NO3-. सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे NO3 का, इसमें नाइट्रोजन का एक एटम और ऑक्सीजन के 3 एटम्स मौजूद हैं। अगर आप दोनों एलिमेंट्स को देखें तो आउटर मोस्ट रिंग में वैलेंस शेल में नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं जबकि ऑक्सीजन के स्ट्रक्चर में 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। इस तरह दोनों एलिमेंट्स के दरमियान, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान इलेक्ट्रॉन देने वाला जो एलिमेंट है वो नाइट्रोजन है। अकॉर्डिंग टू द रूल उसके लेस इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो वो क्या करेगा, अपने साथ एसोसिएटेड तीनों ऑक्सीजन्स को अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा। इसके शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 3 ऑक्सीजन हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे N+5 बिकॉज वो अपने 5 इलेक्ट्रॉन्स अपने साथ जुड़े हुए ऑक्सीजन्स को दे रहा है। एक ऑक्सीजन की वैलेंसी है -2। आप स्ट्रक्चर की मदद से देख सकते हैं कि नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन को अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसी तरह दूसरे ऑक्सीजन को भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तीसरे ऑक्सीजन के लिए उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसका मतलब है ऑक्सीजन जो तीसरा ऑक्सीजन है उसको मजीद एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। N+5 हो गया बिकॉज ऑफ 3 ऑक्सीजन्स, ऑक्सीजन्स के ऊपर चार्ज आ गया -6 बिकॉज ईच ऑक्सीजन हैज़ वैलेंसी -2। 2 को मुकम्मल तौर पर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन्स दे चुका है, तीसरे को एक इलेक्ट्रॉन की मजीद ज़रूरत है। नाइट्रेट रेडिकल में एक नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन थे, नाइट्रोजन ने अपने 5 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह डिस्ट्रीब्यूट किए कि 2 ऑक्सीजन्स को तो 2-2 इलेक्ट्रॉन मिल गए मगर एक ऑक्सीजन के लिए मजीद एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। इस तरह क्योंकि ये एक ग्रुप है इसीलिए ये चार्ज पूरे नाइट्रेट रेडिकल पर आएगा NO3-1 की फॉर्म में। द थर्ड रेडिकल वी हैव कार्बोनेट रेडिकल। कार्बोनेट रेडिकल जैसा कि उसके फॉर्मूले से नज़र आ रहा है एक एलिमेंट कार्बन का और 3 एटम्स ऑक्सीजन के होंगे। कार्बन के स्ट्रक्चर को जब हम देखते हैं तो कार्बन के आउटर मोस्ट रिंग में 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं जबकि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट रिंग में 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। इस तरह लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से कार्बन अपने वैलेंस शेल के 4 इलेक्ट्रॉन्स तीनों ऑक्सीजन्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। पहले ऑक्सीजन को वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, दूसरे ऑक्सीजन को अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, इस तरह उसका आउटर मोस्ट शेल एम्प्टी हो गया। अब तीसरे ऑक्सीजन को देने के लिए उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। इस तरह कार्बोनेट रेडिकल में कार्बन इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, उस पर चार्ज है +4 और वैसे भी कार्बन की वैलेंसी +-4 होती है। ऑक्सीजन के एक एटम की वैलेंसी -2 है, यहाँ 3 ऑक्सीजन हैं सो द वैलेंसी इज -6 बिकॉज देयर आर 3 ऑक्सीजन। +4 -6 +-6 में से 4 माइनस हो गया तो क्या आ गया -2। तो इंटायर रेडिकल के ऊपर चार्ज आ गया -2। ये काम आप स्ट्रक्चर की मदद से भी देख सकते हैं। कार्बन ने 2 ऑक्सीजन को अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन दे दिए जबकि एक ऑक्सीजन स्टिल वेकेंट फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो द इंटायर कार्बोनेट रेडिकल गेट्स द चार्ज -2।
सल्फेट रेडिकल जिसके सिंबल है SO4 और पूरे रेडिकल के ऊपर चार्ज है -2। ये -2 कैसे आया ये देखने के लिए फिर से हम सल्फेट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। सल्फेट के स्ट्रक्चर में एक सल्फर का एटम और 4 ऑक्सीजन एटम्स मौजूद हैं। सल्फर के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 हैं और ऑक्सीजन के 8 हैं। सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे जबकि यहाँ ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में भी इलेक्ट्रॉन 6 ही हैं। अब ये हमारे लिए थोड़ी सी कंफ्यूजिंग सिचुएशन है क्योंकि हम ये जानते हैं कि ग्रुप ऑफ एलिमेंट में जिसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होंगे वो अपने साथ जुड़े हुए दूसरे एलिमेंट को अपने तमाम वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। मगर यहाँ क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के भी, तो इनमें से डोनर कौन बनेगा, कौन अपने पार्टनर एलिमेंट को अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा। फॉर दिस टाइप ऑफ सिचुएशन देयर इज अनदर रूल एंड द रूल इज एंड द कंडीशन इज लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट लूजेस इलेक्ट्रॉन द वन विच हैज आउटर मोस्ट शेल अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। यानी कि जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं उनके नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा होते हैं और उनकी दूसरी निशानी ये है कि उनका आउटर मोस्ट वैलेंस शेल हमेशा न्यूक्लियस से दूर होता है तो वो बड़े आराम से अपने आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिलीज़ कर देते हैं। अब आप सल्फेट के स्ट्रक्चर में देखिए किसका आउटर मोस्ट शेल न्यूक्लियस से दूर है, डिस्टेंस पर है। यस, सल्फर का वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्योंकि उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं जबकि ऑक्सीजन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हैं। तो इस तरह सल्फर अपने आउटर मोस्ट वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। रीज़न क्या है, नंबर वन रीज़न ये है कि वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन नंबर ज़्यादा हैं। दूसरा ये कि उसका आउटर मोस्ट शेल न्यूक्लियस से दूर है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिड्यूस हो रही है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान, उसको स्ट्रॉन्गली होल्ड नहीं कर पा रहा तो लास्ट शेल से वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डोनेट कर देगा। जबकि ऑक्सीजन का लास्ट शेल न्यूक्लियस के करीब है सल्फर की निस्बत, उसके इलेक्ट्रॉन नंबर 8 हैं जबकि सल्फर के 16 हैं। इस तरह आउटर मोस्ट रिंग से इस स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन्स डोनेट या लूज करने वाला एलिमेंट कहलाएगा सल्फर। Now, sulfur started donating electrons to the structure of oxygen. There are 4 oxygens, sulfur के 6 इलेक्ट्रॉन हैं। एक ऑक्सीजन को वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, दूसरे ऑक्सीजन को अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसी तरह तीसरे ऑक्सीजन को भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। मगर अभी भी एक ऑक्सीजन वैकेंट है जिसकी रिक्वायरमेंट है 2 इलेक्ट्रॉन्स की। इस तरह सल्फर क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, अपने वैलेंस शेल के तमाम इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, उस पर चार्ज लगेगा +6। ऑक्सीजन के एक एटम की वैलेंसी -2 है जबकि यहाँ पर 4 ऑक्सीजन्स मौजूद हैं तो उस पर चार्ज आएगा -8, -2, -2, -2 एंड -2। +6, -8, +, -, हो जाता है अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स और 8 में से जब 6 माइनस हुआ तो पूरे रेडिकल के ऊपर चार्ज आ गया -2। इस स्ट्रक्चर में भी आप देख सकते हैं कि देयर इज़ 1 ऑक्सीजन विच इज़ वैकेंट, इट मींस द इंटायर रेडिकल हैज स्टिल रिक्वायरमेंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो द रेडिकल सल्फेट गेट्स द चार्ज -2। द नेक्स्ट रेडिकल वी हैव फॉस्फेट रेडिकल। As the name indicates or the structure shows PO4-3, यानी PO4 structure के ऊपर -3 जो है वो charge लगा हुआ है। Let's see the structure. There is one atom of phosphorus and there are 4 oxygens with the phosphorus. आउटर मोस्ट रिंग में किसके इलेक्ट्रॉन्स कम हैं क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन अपने लूज करने हैं या अपने एसोसिएटेड एलिमेंट को डोनेट करने हैं। फॉस्फरस के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटल 15 होते हैं, इसके आउटर मोस्ट रिंग में 5 इलेक्ट्रॉन हैं जबकि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट रिंग में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब ये हुआ इनमें डोनेट करने वाला एलिमेंट कौन सा हो गया, फॉस्फरस। फॉस्फरस अपने 5 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करना शुरू करेगा, पहले ऑक्सीजन को अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, दूसरे ऑक्सीजन को अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा और तीसरे ऑक्सीजन के लिए उसके वैलेंस शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑक्सीजन भी अभी वैकेंट है और एक ऑक्सीजन मुकम्मल तौर पर वैकेंट है, यानी कि देयर इज स्टिल रिक्वायरमेंट ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स।
फॉस्फरस क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है तो उसके ऊपर चार्ज लगेगा प्लस 5, एक ऑक्सीजन की वैलेंसी माइनस 2 है, यहाँ पर क्योंकि चार ऑक्सीजन मौजूद हैं तो 4 2 8 हो गया, प्लस 5 एंड माइनस 8, जब 8 में से 5 माइनस करते हैं बड़े नंबर का साइन लगेगा, माइनस का साइन लगेगा, और कितनी रिक्वायरमेंट है अभी भी इस रेडिकल की, 3 इलेक्ट्रॉन्स की, तो PO4 इंटायर रेडिकल गेट्स द चार्ज माइनस 3। द लास्ट रेडिकल वी हैव अमोनियम रेडिकल। अब तक हमने जितने भी रेडिकल देखे उन सब पर नेगेटिव चार्ज था। कंपाउंड की मैंने आपको निशानी क्या बताई थी कि कंपाउंड का लास्ट जो एलिमेंट होता है उसकी वैलेंसी हमेशा नेगेटिव होती है और फर्स्ट पार्ट जो एलिमेंट फॉर्म कर रहा होता है उसकी पॉजिटिव होती है। अमोनियम रेडिकल के ऊपर आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर चार्ज प्लस 1 है, द इंटायर रेडिकल हैज़ द चार्ज प्लस 1। लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनियम। अमोनियम के स्ट्रक्चर में एक नाइट्रोजन का एटम शामिल है जबकि चार हाइड्रोजन एटम उसके साथ कंबाइन हो रहे हैं तो अमोनियम फॉर्म होता है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट रेडिकल में, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं जबकि हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। इट इज़ ऑब्वियस फ्रॉम द स्ट्रक्चर हाइड्रोजन गोइंग टू लूज इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन इस केस में इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा क्योंकि उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा है। हाइड्रोजन क्योंकि यहाँ पर 4 मौजूद हैं और नाइट्रोजन की वैलेंसी -3 है, 3 हाइड्रोजन अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स देकर इस काम को पूरा कर देते हैं जबकि देयर इज स्टिल 1 हाइड्रोजन लेफ्ट, एक हाइड्रोजन ज़्यादा है क्योंकि नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट थी 3 इलेक्ट्रॉन्स की, 3 हाइड्रोजन्स ने अपने वैलेंस शेल में मौजूद एक एक इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया है जबकि अब भी एक हाइड्रोजन ज़्यादा है। इस वजह से देयर इज़ अ वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन रिटन एज -3 क्योंकि हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है उसका वैलेंसी होती है +1, 4 हाइड्रोजन का मतलब हो गया +4, तो माइनस प्लस माइनस होता है लेकिन यहाँ क्योंकि बड़ा नंबर 4 है तो बड़े नंबर का चार्ज लगेगा पूरे रेडिकल के ऊपर प्लस, और क्योंकि एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है तो कितने चार्जेस आएंगे +1 आएगा क्योंकि -3 नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट थी, हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन्स ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन उसको दे दिए हैं, एक हाइड्रोजन अभी भी ज़्यादा है तो पूरे रेडिकल पर चार्ज लगा +1। मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखें तो -3 एंड +4, माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है लेकिन बड़े नंबर का चार्ज हमेशा लगता है, यहाँ बड़ा नंबर 4 है तो प्लस चार्ज लगा और माइनस प्लस माइनस ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया, 4 में से 3 माइनस कर दिया तो यहाँ बन गया 1, द इंटायर रेडिकल गेट्स द चार्ज +1। अब हमने देखा कि मुख्तलिफ रेडिकल्स पर प्लस और माइनस चार्ज आ रहे हैं, ये चार्जेस अगर इनके ऊपर से रिमूव हो जाएंगे तो ये कंपाउंड बन जाएंगे बिकॉज ये न्यूट्रल हो जाएंगे। रेडिकल का मतलब ये था ऐसा ग्रुप ऑफ एटम जिसके ऊपर चार्ज मौजूद हो, और वो ग्रुप है क्योंकि दो एलिमेंट्स की यूनियन से बना है तो बहुत सारे रेडिकल्स के ऊपर माइनस चार्ज होता है, तो जब वो कंपाउंड फॉर्म करने जाएंगे या हिस्सा लेंगे तो वो हमेशा कंपाउंड का आखिरी हिस्सा होंगे, यानी वो लास्ट ग्रुप होंगे, लास्ट होंगे। जबकि इस वक्त हम क्योंकि अमोनियम रेडिकल को देख रहे थे तो अगर किसी रेडिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो कंपाउंड फॉर्मेशन के अंदर वो पहला पार्टनर होंगे और कोई और एलिमेंट या कोई और रेडिकल उनके साथ अटैच होकर उस कंपाउंड को फॉर्म करेगा। अब हम देखते हैं कि इन रेडिकल्स पर से चार्ज कैसे रिमूव होगा। पहली चीज़ जो जहन में रखनी है, जितने भी नेगेटिव रेडिकल्स हैं, फॉर एग्जांपल किसी रेडिकल के ऊपर चार्ज -1 है तो इसका मतलब ये है कोई भी ऐसा एलिमेंट उसके साथ अगर अटैच हो जाए जिसकी अपनी वैलेंसी +1 हो तो वो चार्ज रिमूव हो जाएगा और एक न्यूट्रल कंपाउंड फॉर्म होगा। इसी तरह ये जो अमोनियम है इसके ऊपर चार्ज है +1, अगर कोई एलिमेंट -1 वाला इसके साथ ग्रुप करेगा तो फिर दोनों के चार्जेस कैंसिल हो जाएंगे और एक न्यूट्रल कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। लेट्स सी 1 by 1 एग्जाम्पल हाउ टू रिमूव द चार्जेस और हाउ द रेडिकल्स लूज देयर चार्जेस एंड फॉर्मिंग अ न्यूट्रल कंपाउंड। हाउ द चार्ज ऑन रेडिकल रिमूव्स। अगर रेडिकल के ऊपर से चार्ज खत्म हो गया तो फिर वो कंपाउंड बन जाएंगे। इफ इट कंबाइंस विद, द कंडीशन इज इफ द रेडिकल कंबाइंस विद एनी अदर एलिमेंट और एनी अदर रेडिकल ऑफ द सेम चार्ज, द चार्ज ऑन द रेडिकल रिमूव्स। फर्स्ट आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ OH रेडिकल। OH रेडिकल के ऊपर क्या चार्ज है -1। इफ OH रेडिकल कंबाइंस विद,
If hydrogen element which carries the plus charge combines with the OH radical, it forms compound water. आप देख सकते हैं कि हाइड्रोक्साइड रेडिकल की वैलेंसी -1 है. अगर उसके साथ एक हाइड्रोजन एलिमेंट आकर मिल जाए तो फिर क्या होगा, +1 और -1 दोनों चार्जेस कैंसिल हो जाएंगे और एक न्यूट्रल कंपाउंड फॉर्म होगा जिसका नाम है वाटर. द नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव नाइट्रेट रेडिकल NO3-1. यानी कि ये बात अच्छी तरह से समझ लेने की है कि अगर किसी रेडिकल का चार्ज -1 है तो कोई भी एलिमेंट जिसकी वैलेंसी +1 है वो आकर उसके साथ ज्वाइन होगा तो उसका चार्ज रिमूव हो जाएगा और वो रेडिकल एक न्यूट्रल कंपाउंड फॉर्म कर देगा. अब यहाँ देखिए, इफ सोडियम की वैलेंसी है +1, एलिमेंट कंबाइंस विद द नाइट्रेट NO3-1 रेडिकल, इट फॉर्म्स अ कंपाउंड सोडियम नाइट्रेट. अगर सोडियम एलिमेंट जो है जिसकी वैलेंसी +1 है नाइट्रेट रेडिकल NO3-1 के साथ आकर मिलता है तो दोनों के चार्जेस कैंसिल होंगे और एक न्यूट्रल कंपाउंड बन जाएगा सोडियम नाइट्रेट NaNO3, जो कि फर्टिलाइजर्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है और ये फर्टिलाइजर्स को जो है वो नाइट्रोजन सप्लाई करता है और सॉइल की फर्टिलिटी के लिए फर्टिलाइजर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. कार्बोनेट रेडिकल, इट गेट्स द चार्ज -2. इफ कैल्शियम एलिमेंट के ऊपर चार्ज होता है +2. अगर कैल्शियम का एलिमेंट कंबाइन हो जाए विद द कार्बोनेट -2 रेडिकल, इट फॉर्म्स अ कंपाउंड कैल्शियम कार्बोनेट. बिकॉज कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज है, कार्बोनेट रेडिकल पर -2, दोनों चार्जेस कैंसिल हो जाएंगे तो एक न्यूट्रल कंपाउंड बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट. कार्बोनेट रेडिकल की रिक्वायरमेंट 2 इलेक्ट्रॉन है, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दोनों चार्जेस कैंसिल हुए, कंपाउंड बना कैल्शियम कार्बोनेट विच इज कॉमनली यूज और एग्जिस्ट एज अ चॉक विच वी आर नॉर्मली यूजिंग एंड एज वेल एज इट इज एग्जिस्टिंग एज अ मार्बल. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सल्फेट -2. सल्फेट रेडिकल के ऊपर क्या चार्ज मौजूद है, -2. ऐसा कोई एलिमेंट जिसकी वैलेंसी +2 हो अगर वो इसके साथ कंबाइन हो जाएगा तो एक न्यूट्रल कंपाउंड बन सकता है. इफ मैग्नीशियम +2 एलिमेंट, मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है +2 क्योंकि उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 होते हैं, कंबाइंस विद द सल्फेट SO4-2 रेडिकल, इट फॉर्म्स कंपाउंड मैग्नीशियम सल्फेट. अगर मैग्नीशियम एलिमेंट जो कि 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, सल्फेट रेडिकल जो कि 2 इलेक्ट्रॉन मांग रहा है, इसके साथ आकर मिल जाए तो दोनों के चार्जेस +2 -2 कैंसिल हो जाएंगे और एक न्यूट्रल कंपाउंड फॉर्म होगा विच इज़ कॉल्ड मैग्नीशियम सल्फेट. और मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है, सोप और डिटर्जेंट इंडस्ट्री में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट के तौर पर मैग्नीशियम सल्फेट को इस्तेमाल किया जाता है. द नेक्स्ट कंपाउंड इज PO4-3 फॉस्फेट रेडिकल जिसके ऊपर चार्ज है -3. इफ एल्यूमिनियम कौन सा एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी +3 है, क्योंकि एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज है प्लस का और उसकी वैलेंसी है +3, उसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 13 होते हैं. जिन स्टूडेंट्स ने वैलेंसी वाला लेसन बहुत अच्छी तरह से किया था उन्हें बड़े आराम से मेरी बात समझ में आ रही होगी. If aluminium radical combines with the phosphate radical का क्या charge है -3. अगर aluminium इसके साथ combine होता है, it forms a compound which is neutral aluminium phosphate. Because +3 charge on the aluminium element and the -3 charge on the phosphate radical cancels out and they form a neutral compound aluminium phosphate. एल्युमिनियम फॉस्फेट की बहुत सारी कमर्शियल एप्लीकेशन है. इसके अलावा इसको इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स वगैरह बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. वो स्प्रे जो कि इंसेक्ट्स किलिंग स्प्रे होते हैं उनमें भी एल्युमिनियम फॉस्फेट एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड के तौर पर यूज होता है. अमोनियम रेडिकल विच कैरीज +1. अब हम देख रहे हैं कि ऐसा रेडिकल आ रहा है जिसके ऊपर अपने चार्ज +1 का मौजूद है, तो चार्ज रिमूव करने के लिए क्या कंडीशन होती है, या तो रेडिकल अपने जैसे किसी दूसरे रेडिकल से मिल जाए जिसका चार्ज ऑपोजिट हो, या फिर वो किसी एलिमेंट के साथ कंबाइन हो जिसका चार्ज ऑपोजिट हो. इफ क्लोरीन के ऊपर चार्ज है -1. इफ क्लोरीन एलिमेंट कंबाइंस विद अमोनियम रेडिकल, देखें क्लोरीन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17 होते हैं, उस पर चार्ज आता है -1. अगर क्लोरीन अमोनियम के साथ कंबाइन हो जाए, क्योंकि अमोनियम का क्या चार्ज है +1,
मैंने आपको बार बार ये चीज़ रिपीट करके बताई है कि जब एक कंपाउंड बनता है तो उसका फर्स्ट एलिमेंट प्लस चार्ज कैरी करता है और सेकेंड पार्ट उसका माइनस चार्ज, क्योंकि इस रेडिकल की वैलेंसी प्लस वन है तो कंपाउंड फॉर्मेशन में ये पहले लिखा जाएगा। अमोनियम और क्लोरीन की वैलेंसी माइनस वन है तो वो बाद में लिखा जाएगा। प्लस वन माइनस वन दोनों चार्जेस कैंसिल हुए और एक न्यूट्रल कंपाउंड बन गया, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड एक ऐसा कंपाउंड है जो कि कमर्शली आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स प्रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और यह ज़मीन को नाइट्रोजन की एक बहुत रिच अमाउंट सप्लाई करता है। इस तरह स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में आपने रेडिकल्स देखे। जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस लेक्चर में वैलेंसी को बहुत अच्छी तरह समझा था उनके लिए रेडिकल्स समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। वैलेंसी हम सिंगल एलिमेंट्स की फाइंड आउट करते थे और ऑक्टेट पूरा करते थे। रेडिकल्स के लिए हमने ये देखा कि कंपाउंड तो एक ऐसे ग्रुप को कहते हैं जिस पर कोई चार्ज नहीं होता, जबकि रेडिकल्स के ऊपर चार्ज मौजूद होता है। और वो चार्ज कैसे डिसॉल्व होता है? जब ये रेडिकल्स किसी दूसरे रेडिकल या किसी दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होते हैं जिन पर सेम चार्ज हो, तो इनके चार्जेस रिमूव हो जाते हैं और ये एक न्यूट्रल कंपाउंड फॉर्मेशन में हिस्सा लेकर एक न्यूट्रल कंपाउंड फॉर्म करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो या किसी भी किस्म का प्रॉब्लम आपके जहन में स्टिल कोई क्वेश्चन रह गया हो, यू कैन आस्क इन योर व्हाट्सएप ग्रुप। एंड रिमेंबर, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, दीज टॉपिक्स आर नॉट इन द बुक, बट दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाय द हेल्प ऑफ दीज लेक्चर्स यू विल बी एबल टू मेक कंपाउंड, यू विल बी एबल टू राइट द कंपाउंड्स नेम बाय योर सेल्फ। सो थॉरली लिसन टू द लेक्चर्स वेरी केयरफुली, बी अटेंटिव वाइल यू आर लिसनिंग टू द लेक्चर्स, दे आर वेरी हेल्पफुल फॉर यू। And if you still having an inquiry regarding it, I'll be there for you. I'll solve your ambiguities in your respective WhatsApp group. Thank you. Today's lesson review. Today we have discussed a group of atom which is called as the radicals, the difference between compound and radical, compound which are neutral in nature, a group of atom which is neutral, whereas radicals which carry the charge. Similarly, we have seen the examples of radical as well as how do these radicals become compound. We have seen this in detail. Home task for today. Question number one, define radicals. You have to give the definition for radical. What is the major difference between a compound and a radical? Just write down the major difference. What is the difference actually exist between the two things? Question number three, list the name of some important radicals along with their formulas. आपको कुछ खास radicals के नेम लिखने हैं और उनके साथ उनके formulae list करने हैं. Question number four is, lithium has valency plus one. Lithium एक ऐसा element है जिसकी valency plus one है. It can combine with the radical dash. आपको सोचना है कि किस radical के साथ ये combine हो. इसकी वैलेंसी प्लस वन है तो सोचिए उस रेडिकल की वैलेंसी क्या होनी चाहिए। टू फॉर्म अ कंपाउंड लिथियम डैश, और जब वो उस रेडिकल के साथ मिल जाए, क्योंकि रेडिकल के ऊपर चार्ज मौजूद होगा, तो इसका प्लस वन और उस रेडिकल का चार्ज जब कैंसिल हो जाएंगे, दे फॉर्म अ न्यूट्रल कंपाउंड नेम लिथियम डैश। सो योर टास्क इज टू फाइंड आउट दैट रेडिकल। अभी हमने इतने सारे रेडिकल्स की प्रैक्टिस की है, आप फाइंड आउट करें यहाँ पर सुइटेबल रेडिकल कौन सा होगा जो लिथियम के साथ कंबाइन होगा और वो एक न्यूट्रल कंपाउंड भी फॉर्म करेगा जिसका नाम होगा लिथियम, उसके बाद उस रेडिकल का नाम आ जाएगा। एंड ऑल्सो राइट डाउन द फॉर्मूला। आपको लिथियम के साथ कंबाइन होकर जो एलिमेंट फॉर्मूला फॉर्म कर रहा है कंपाउंड के लिए, वो फॉर्मूला भी लिखना है। सो दिस इज ऑल ओवर फॉर टुडे। Inshallah, I will see you in the next lecture that will be related with the naming of compounds, means how to give the name to the compounds. Thank you, students. Take care. Stay blessed.